हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुशांत सिविल ब्लॉग। आज के इस वीडियो में आया हूँ आपको BSNL ऑफिस जो बूटी मोड़ के पास पास है वहाँ का एक कॉलम का लेआउट करना है। तो चल के देखते हैं किस तरह से काम जो होता है और सारा कुछ मैं एक एक करके बताऊंगा। अगर आप एक पर्सन है जो घर बनाना चाहते हैं तो आप इस साइट को देख करके आप पता कर सकते हैं किस तरह से कॉलम का लेआउट होता है, किसी तरह का मिस्टेक्स होता है, तो वो सब सारा कुछ बताऊंगा किस तरह से ठेकेदार या मिस्त्री जो भी हो मिस्टेक करता है तो आप इसको करेक्शन करवा सकते हैं। ओके, और एक बात बता दूं कि अगर आप रांची से फिर आजकल क्षेत्र से और चाहते हैं अपने घर का नक्शा बनाना, नक्शा पास कराना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी और नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए चल के देखते हैं साइट पे किस तरह से काम हो रहा है। तो मैं साइट पे आ चुका हूँ और यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉलम का लेआउट जो है स्टार्ट हो चुका है। देख रहे हैं इस तरीके से जो है आपका यहाँ पे जो धागा है वो बांधा जा रहा है और हम लोगों ने दो धागा बांध करके सबसे पहले ना गुनिया कर लिया है, जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल जो फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से हम लोगों ने धागा जो क्रॉस धागा को मेजरमेंट करके उसको परफेक्ट एकदम परपेंडिकुलर निकाल दिया है, जिससे घर जो है ना एग्जैक्ट परपेंडिकुलर बने जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। थोड़ा कैमरा का एंगल तिरछा है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, बट ये परफेक्ट आपका परपेंडिकुलर है। ओके, तो यानी कि रूम जो बनेगा ना आप परफेक्ट स्क्वायर में बनेगा, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होगा। इस बात का आपको ध्यान देना, अगर घर अपना घर बना रहे हैं तो इसको देख लेना है कि गुनिया ठीक है कि नहीं। तीन एक तरफ से तीन नापना, एक तरफ से चार नापना है और तिरछा तिरछी जो रहेगा ना नापी वो आपको पाँच करना है। ठीक है, तो ओके इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ आप देख रहे कॉलम का डिटेल है, तो कॉलम जो है आपका जहाँ भी क्रॉस कर रहा धागा हर जगह नहीं है, कहीं कहीं पे तो ड्राइंग को देखते हुए और आपका ग्रिड का मार्किंग ABCD दिख रहा है, 1 2 3 4 दिख रहा है, इसको देखते हुए आपको मार्किंग करना है। ओके, और करवाना है, सारा कुछ चेक करना है, सारा कुछ इसमें ड्राइंग में जो ना आपका हर एक धागा से धागा का डिस्टेंस रहता है तो उसी डिस्टेंस के हिसाब से आपको कांटी को ठोकना है अगर दीवाल है तो, या दीवाल नहीं है तो खूंटा करना है। और 3.5 फीट का लगभग लोहा जो है 10 mm का लोहा चाहिए आपको खूंटा गाड़ने के लिए अगर दीवार नहीं है तो इस तरीके से आपका धागा जो है एक अपोजिट में आपका अपोजिट वाले वाल में बंधेगा। ओके, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं जो भी डिस्टेंस मांगेगा ड्राइंग में कि कहां कहां पे कॉलम है सारा कुछ आपको चेक कर लेना है। ड्राइंग मिलने के बाद आपको नक्शा और कॉलम दोनों को अलग अलग ड्राइंग जो मिलेगा दोनों को एक बार चेक कर लेना, हाँ मेरा वैसी पोजीशन पे है या कॉलम थोड़ा मिस्टेक्स है इधर उधर ड्राइंग में बनाया गया है वो भी आपको चेक कर लेना। ऐसे तो जो भी डिज़ाइन करते हैं वो तो सेम रखते हैं, बट आपको एक बार ध्यान रखना है इस चीज़ का कि कॉलम जो है परफेक्ट जगह पर हो जहाँ पर ड्राइंग में दिखाया गया हो। ओके, इस बात का ध्यान रखना है। ओके, और यहाँ पे देख रहे हैं जो भी आपका लैंड है उसमें किसी तरह का मिट्टी फील नहीं होना चाहिए, नेचुरल मिट्टी में इस तरह काम होता है। ओके, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि नेचुरल मिट्टी में ही फाउंडेशन को करवाएं, ये नहीं कि आप मिट्टी भरवा लिए 2 फीट 3 फीट डाउन होने के कारण से उसके बाद लेआउट करा रहे हैं और गड्ढा करवा रहे हैं तो सॉफ्ट मिट्टी में फाउंडेशन नहीं रहता है, हमेशा हार्ड मिट्टी में फाउंडेशन को आपको रखना है। ओके, तो यहाँ का जो फाउंडेशन है ना वो भी मैं दिखाऊंगा किस तरह से मार्किंग करते हैं, कहाँ कहाँ पॉइंट आ रहा है सारा कुछ दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये आए हुए वाटर पंप वाटर लेवल चेक करने वाले कि कहाँ पे मेरा जो आपका बोरिंग के लिए वास्तु के हिसाब से देख लेना है कि नॉर्थ और ईस्ट में कोना में कहाँ पे हमको परफेक्ट मिल रहा है कि हम वहाँ पे पाइप जो मेंटेनेंस कर सके बाद में निकाल सके पाइप को किसी तरह का दिक्कत ना आए। ओके, तो ये सारा कुछ है यहाँ पे और लगभग जो है कुछ धागा जो है बचा हुआ है और सारा कुछ यहाँ पे हो जाने के बाद आप क्या कर रहे हैं ना कि जहाँ जहाँ भी क्रॉस आ रहा है वहाँ पे हम लोग पॉइंट गिरा ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए पॉइंट गिरा करके और फाउंडेशन के लिए मार्किंग कर दे रहे हैं 4 पॉइंट दे करके उसको मिला देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग 5.5 बाई 5.5 का गड्ढा कर रहे हैं बट 5 बाई 5 का फाउंडेशन बनेगा और डेप्थ भी 5.5 रहेगा बट PCC वगैरह सोलिंग वगैरह छोड़ के सिर्फ 5 फीट बचेगा। तो 5 फीट हार्ड स्ट्रेटा से हार्ड मिट्टी में 5 फीट जाना चाहिए, सॉफ्ट मिट्टी को गिनती नहीं करते हैं। इस बात का आपको ध्यान देना है कि हमेशा हार्ड मिट्टी को ही आपको काउंटिंग करना है, सॉफ्ट मिट्टी को नहीं काउंटिंग करना है। ओके, उसके बाद ऊपर सॉफ्ट मिट्टी 4 फीट भरिए, 5 फीट भरिए, जो भी आपका रोड का लेवल हो उससे 2-3 फीट ऊपर कर लीजिए। ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान देना है कि जो भी जाए अंदर 10 फीट रोड से वो आपको नहीं देखना है, आपको हार्ड स्ट्रेटा देखना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारा कुछ जो है लगभग हो चुका है और मार्किंग यहाँ पे चल रहा है। तो ये जो भी जानकारी मैं दे रहा हूँ इसको आपको ध्यान में रखना है जब भी आप अपना घर बनवा रहे हैं, और यदि आप रांची से या फिर आसपास क्षेत्र से और चाहते अपने घर का एक अच्छा डिज़ाइन बनाना तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा,
उससे आप कॉल करके आप पता कर सकते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे फाउंडेशन जो है सारा कुछ जो है मार्किंग हो चुका है और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे किया गया है, ठीक है। और उसके बाद जब गड्ढा हो जाएगा, उसके बाद जब PCC होगा ना, उसके बाद मैं दिखाऊंगा किस तरह से काम होता है किसी एक पर्टिकुलर घर का। ओके, स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ मैं ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो वो भी आप देख के जानकारी ले सकते हैं, मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।